अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप मेरा इंग्रेडिएंट देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, होममेड पिज़्ज़ा, चिकन चीज़ पिज़्ज़ा। तो उसके लिए मैं ये गो चीज़ यूज़ करूँगी। ये ट्रायंगलर चीज़ ही है, मैंने इसको श्रेड कर ली हूँ। और ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस यूज़ करूँगी मैं। और यहाँ पर जो है मैंने ये चिकन, जो इसके ऊपर फिलिंग आएगी चिकन की, ये मैंने बनाकर तैयार कर दी हूँ। ये वही फिलिंग मैंने बनाई हूँ जो मैंने चिकन चीज़ टोस्ट सैंडविच के लिए बनाई थी। बस इसमें वेजीज नहीं है, सिर्फ अनियन है, कैबेज कुछ भी नहीं है। और ये सेम फिलिंग है, इसलिए मैंने इसका वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया। वो ऑलरेडी आपके पास है, अपलोडेड है मेरे चैनल पर। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने ये पिज़्ज़ा ब्रेड ले ली हूँ और अभी मैंने इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल दी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर लूँगी। मैंने इसको अच्छे से पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को स्प्रेड कर लिया। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप और शेज़वान चटनी भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर जो चिकन की फिलिंग बनाई हूँ वो ऐड कर दूँगी इस पर। वो अच्छे से मैं इसे सेट कर दूँगी। तो देखिए, मैंने चिकन की फिलिंग भी इस पर सेट कर दी हूँ। अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा टमाटो, थोड़ा सा डाल दूँगी। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजेस डाल सकते हैं, शिमला मिर्च वगैरह कुछ भी डाल सकते हो जो आपको पसंद हो, कैबेज। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी स्वीट कॉर्न, ये भी मैं अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर दूँगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये कलरफुल सा। देखिए मैंने इस पे कॉर्न भी डाल दी हूँ और अभी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा वही चीज़ जो मैंने ऐसे श्रेड कर दी हूँ। मेरे पास श्रेडेड चीज़ नहीं था तो मैंने इसी से काम चला ली। ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट है, क्रीमी आते हैं। ये गो चीज़ भी बहुत क्रीमी होता है तो मैंने वो यूज़ की हूँ। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ी हूँ एज यूजल। अभी मैं इसके ऊपर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डालें, भर भर के जितना आप डाल सकते हो और जितना आपको पसंद हो। तो देखिए मैंने ये चीज़ भी डाल दी हूँ। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगैनो स्प्रिंकल कर दूँगी ऐसे, और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। और मैं ये नॉर्मल जो घर का तवा होता है, पैन होता है, फ्राइंग पैन, मैं उसी में बना रही हूँ। आप चाहे तो ओवन में बना सकते हो, तवे पर बना सकते हो। तो ये आ गया इस पर चिली फ्लेक्स। अभी जो पैन है मैं उसको प्री हीट करने के लिए रख दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तवे को गरम कर ली हूँ, पैन को तेल थोड़ा सा डाल के। और अभी शिबान आ गया है, तो शिबान ने कैमरा पकड़ा है तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। और ये रहा पिज़्ज़ा, इसको मैंने स्लो गैस पे रखी हूँ और इसको आराम से ऐसे डाल देंगे स्लो पे। और मैं इसको अभी ढक दूँगी इस तरह, 2 से 3 मिनट रखेंगे। तो 3 मिनट हो गए, तो चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। ये नीचे से एकदम क्रिस्पी है, आपको दिखा दूँ मैं इसे। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। आने इसी तरह मैं सारे बना लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पिज्जा बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। इसे मैं केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक दी बेल आइकन। चलिए फिर मिलती है आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।